नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आवाज़ 24 में। मैं पुनः आज आपके बीच आया हूं। कोरोना वायरस को लेकर आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस से लोग त्राहिमाम मचा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के द्वारा हमारे यहां प्रवेश किया है। मैं इसके पहले भी बताया था कि प्रकृति से अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति किसी न किसी रूप में अपना संतुलन बनाती है। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें तो कभी प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। आज हम आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं जो बताएंगे हमारे साथ कि नारद पुराण में कोरोना वायरस के बारे में बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि यह संवत्सर में यह ऐसा रोग आएगा जो पृथ्वी पर विनाश फैला देगा और संवत्सर चेंज होने के बाद यह रोग स्वतः चला जाएगा। तो हमारे आचार्य जी इस मंत्र को पढ़ के आपको बता रहे हैं। जय शंभु, हरिओम, जय श्री मन्नारायण सभी भक्तों को। जैसा कि नारद पुराण में हमारे गुरु जी ने बताया, उसका एक श्लोक है, भूपा हवो महारोगो मध्यस्यार्धदिष्टयः दुखिनो जंतवः सर्वे वत्सरे परिधाविनी। परिधावी नामक संवत्सर में नारद पुराण में इसका उल्लेख आया है कि 2020 में परिधावी नामक संवत्सर आएगा जिसके उत्तरार्ध में एक ऐसा महामारी फैलेगा जो कीटाणु, उसका नाम कोरोना पड़ेगा और पूरी दुनिया में ये फैलेगा। उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती में कल हमारे गुरु जी ने पुनश्च बताया भी था, आज पुनश्च, कि दुर्गा सप्तशती का हवन वैदिक रीति रिवाज से किया जाए तो इसका कोई असर नहीं। और परिधावी संवत्सर खत्म होते ही, इस श्लोक का अर्थ यही है कि परिधावी संवत्सर खत्म होते ही कोरोना वायरस का प्रभाव तत्कालिक समाप्त हो जाएगा और कोरोना वायरस का नामो निशान भी मिट जाएगा। जय शंभु, हर हर महादेव। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। हम तुलसी दल शुरू से लेते आ रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं तो तुलसी दल हमें दिया जाता है पंचामृत में। जैसे पंचामृत में हम पीते हैं, पंचगव्य पीते हैं, कहीं ना कहीं साइंस इस चीज़ को मानता है। आज पंचगव्य के द्वारा कैंसर का इलाज हो रहा है, आज पंचामृत के द्वारा इलाज हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे वैदिक शास्त्र में, वैदिक धर्मों में साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। आज विश्व मानता है कि हवन करने से ओजोन परत में कहीं ना कहीं कमी आती है, ओजोन परत के छेद में वातावरण शुद्ध होता है। इसको विज्ञान माना है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। आइए पुनः हम लौट चले अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के तरफ। अगर हम उसके तरफ लौटते हैं तो जीवन में कभी इस तरह की महामारी और प्रलय से हमारा सामना नहीं होगा। हम शुद्ध शाकाहारी बने और शुद्ध प्रकृति का पालन करें तो इस तरह का भयावह स्थिति कभी पैदा नहीं होगा। विश्व को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप शाकाहारी रहिए और सुखी रहिएगा, प्रकृति के साथ रहिए, सुखी रहिएगा। अगर शाकाहारी नहीं है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसा वायरस बीच बीच में आता रहेगा और हम सभी मानवों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। आइए हम इस संदेश के साथ जुड़ें कि हम प्रकृति के साथ जुड़ें और शाकाहारी बने। धन्यवाद।